हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। तो भारतीय रेलवे ने अपनी जितनी भी ट्रेन्स हैं उन सब की रफ्तार में थोड़ा सा इजाफा किया है, मतलब कि उनकी रफ्तार को थोड़ा सा बढ़ाया है। जानेंगे इस वीडियो में और बहुत सारी जानकारी। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम रेलवे से जुड़े ऐसे छोटे बड़े अपडेट्स आपके लिए चैनल पर रेगुलर प्रोवाइड कराते रहते हैं। तो गुनतकल डिवीज़न में 13 जुलाई 2020 को 130 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये परीक्षण किया गया था। यहाँ पर उन ट्रेनों का परीक्षण किया गया है जो कि बहुत कम स्पीड में चलाई जाती थी, लेकिन उनको 130 की स्पीड में चलाया गया है। और उसके लिए रेलवे के ट्रैक्स को पूरी तरह से मेंटेन किया गया। और सबसे बड़ा रीज़न जो है इनकी स्पीड बढ़ाने के पीछे, वो है रेलवे ने अपने 200 काम जो पेंडिंग पड़े हुए थे उनको कंप्लीट कर लिया है। इन 200 काम के ऊपर मैं एक वीडियो और बनाऊंगा, तो वो वीडियो आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। तो इन ट्रेनों को एक लॉन्ग रूट पर चलाया गया जो कि मुंबई से चेन्नई को जोड़ता है। इसमें सबसे ज़्यादा सहयोग किया RDSO की टीम ने। वहाँ पर RDSO की टीम ने, मैंने एक वीडियो और भी बना रखा है कि RDSO की टीम ने 20 नए इनोवेशंस किए हैं इंडियन रेलवे के लिए। वहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट सेंसर हों या फिर रेलवे के कोचेस में लगे कैमरेज हों, और भी बहुत सारी डिवाइसेस बनाई गई हैं। तो उनके ऊपर भी मैंने कुछ वीडियोस बना रखे हैं, आप वो वीडियो वहाँ पे जा सकते हैं, आपको वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो ट्रेन की रफ्तार बढ़ाने के लिए भारतीय रेलवे ने 280 किलोमीटर लंबे इस ट्रैक को पूरी तरह से मॉडिफाइड किया, तब जाके यहाँ पे इनकी रफ्तार बढ़ाई जा सकी। तो ये थी छोटी सी जानकारी आपके लिए रेलवे से जुड़ी। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।